सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। भाइयों, आज जो हम ये आपको जो सारी ये जो भैंस दिखा रहे हैं, ये जो 18-20 केजी की भैंस है, इसमें कई तो आप इसमें जान लेना कि 20 किलो की भैंस के नस्ल और क्वालिटी होती कैसी है। और ये जो भैंस है ये बावली गाँव में है और जिला बागपत उत्तर प्रदेश। तो ये सहदेव की भैंस है जी, वो जो गुरु भी है, तो हमने इनसे सीखा है 20 किलो की भैंस होती कैसी है। तो जब हमारे पास में 8-9 किलो की भैंस थी आज से 15 साल पहले, तो इनके पास में जब 21-22 किलो तक का भैंस थी। और भाइयों, ये वीडियो बनाने का माध्यम है, इनकी जिम्मेदारी सारी जो हमारी है, जो 100% नहीं, जो किसी भी बाहर के व्यापारी को भैंस चाहिए या गाय चाहिए तो यहाँ से बेझिझक ले जा सकता है। और यू भी गारंटी है, हमारा दावा है कि कोई कमीशन और कोई दलाली नहीं होगी भाई बीच में, कि जो भाई हमारे साथ में चैनल से जुड़े हैं, मतलब जो बात होगी वो सच होगी, कोई मतलब धोखाधड़ी का काम नहीं होगा, कोई भी मतलब थन में कमी या कोई जड़ में कोई भी मतलब कोई भी कमी हो तो सब मतलब जो कुछ होगी बात वो कि साफ होगी। राम राम जी। राम राम। हाँ जी, तो आपका नाम? सहदेव जी। सहदेव, अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दो आप। 99-17। हाँ, 83-46-48। अच्छा, तो भाइयों ये इनका नंबर है, मतलब कोई भाई भी मतलब 10 किलो से लेकर 12 किलो वाली भैंस या 15 किलो वाली या 20 किलो वाली, मतलब मुर्रा के विशेषज्ञ है ये हमारी यूपी के, तो ये मान लो जो मतलब हमने भी चलना सीखा इन पति जो कि भैंसों का ज्ञान कराया कि भैंस की जड़ कैसी होती है, मतलब क्वालिटी कैसी होती है ना, तो इनकी भैंस एक बार ये शुरू से पता कर ले। तो ये चाचा जो ये शुरू में जो कि थारी भैंस है वो तो वो क्या किलो की है, वो कितना जी दूध दे देगा? ताजी दूध देते हैं 20 किलो। देखो भाइयों, या साइड में देखो, ये आपको दिखा दूं, ये जो दूध की भैंस के मतलब जो अडर क्वालिटी है, अब इसमें 11 किलो दूध है ये। हाँ, तो ये क्या बन? क्या बन नहीं, साल भर की ब्याई। ये जी साल भर की ब्याई है तो क्या बन नहीं है। और ये वाली ये तो बीमार हो गई है, ये बीमार चल रही भाइयों। तो 18 लीटर, यह भाइयों 18 लीटर की है, या तो ये बाखड़ी है अब। हाँ, क्या बन है? तो ये क्या बन कितने महीने की है भाइयों? ये भैंस है जो 3 महीने की गाबन है और इसमें दूध 12 लीटर। अब जी इसमें 12 लीटर दूध है, आप देख सको, दिखाओ एक बार साइड में करके। देखो भाइयों, देखो यहाँ से देखो, जो 12 लीटर दूध अब इसमें है फिलहाल। तो जो इनका दूध का भी काम है, ये अपना दूध भी सेल की करते हैं, और जो ताजी भैंस किसी को भी चाहिएगी तो ये ला कर, तो ये क्या बना गुपन गया? तो ये क्या महीने की? ये 2.5 महीने। तो भाइयों ये क्या बना है जी 2.5 महीने की, और इसमें दूध? इसमें 14 लीटर। इसमें आप जो मतलब 14 लीटर दूध है जी तैयार। तो ये नीचे बैठी जी, देखो भाइयों यह है भैंस, तो ये क्या बना है, तो यह कितने महीने किलो की? इससे दूध दे दे भाई 22 किलो दूध दे दे। यह भी दूध की जो मशीन है भाइयों, देख लो 22 किलो की जो मेरी झोटी है, और जो है 22 कह दे तो 22 है ही, जो कभी इसमें झूठ तूफान मान जो कहीं अगर जो 22 कह रहे अलगड़ा का जो 16 तो 22 है, तो बोले तो बोला। अच्छा जी, तो चलो जो अगली बताओ भाई। तो ये मैंने भी देखी थी, यह ताजी, तो ये जड़ भी बहुत जो कट है, तो ये दूध की भैंस है। देखो भाई यहाँ देखो, तो यह भी जो इनकी भैंस है जी 20 किलो दूध की है। हाँ ठीक है, और ये वाली ये तो 14-15 की। तो यह जी जो बता रहे थे 14 किलो की है, और ये क्या बन कितनी है? यह क्या बन 5 महीने? यह जी 5 महीने की। और अब दूध दे रही? हाँ दूध दे रही, अब तो 7-8 लीटर। अच्छा, अब तो इसमें दूध भाइयों कमी है। ये वाली जी, ये तो सब भाई वैसी है 14-15 किलो दूध की। तो ये जो भाइयों ये चाचा ने बताया, ये तो जो इधर है जो नॉर्मल भैंस है, ये 14-15 किलो की है, और वो वाली भूरी है वो 17-18 लीटर दूध। देखो भाई, भूरी भैंस भी है, वो भी मतलब 17 किलो दूध की है, और ये सारी आपको इनकी भैंस दिखाई दी, मतलब मुर्रा के माफिया है भाइयों ये, मतलब हमारी यूपी के। और कोई आदमी मतलब सेल परचेज का भी इनका काम है, जो गाय भैंस जिसे भी जितनी चाहिए, जितनी गाड़ी भरवानी है, जो बाहर के लोगों को भी, तो हमारे चैनल का जो सपोर्ट रहेगा, जो किसान भाई को, पशुपालक भाई को जो बाहर से भैंस लेने के लिए आएगा, तो जिम्मेदारी हमारी रहेगी भाइयों, तो जो हम कहेंगे उसमें झूठ नहीं मिलेगा, अपना सौदा सूद तो करियो आप पर। लेकिन कोई भी बाहर का ट्रक अगर भरवाना है, दुधारू भैंस लेनी है, तो ये यहाँ से ले कर देंगे, जो आइयो अपना 3 टाइम दूध देखियो,
और बल्कि इनका नहीं, अगर जहाँ से भी आपको भैंस लेनी है तो दूध उसका कम से कम 4 टाइम देखो भाई, पैसा देना है। तो भाइयों बताना, जो वीडियो आपको कैसी लगी, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर आपका नमस्कार, और चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो आपका बार बार धन्यवाद।